व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रौनक पॉल एंड आप देख रहे हो एथिकल हैकिंग कोर्स वो भी अपना लैंग्वेज हिंदी में। गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग वेल फ्रेमवर्क के मदद से एक अनडिटेक्टेबल बैकडोर को जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो अभी मैं काली लिनक्स के अंदर हूँ एंड सबसे पहले मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि हम एक वेल फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किए थे वो एक डायरेक्टरी के अंदर। तो सबसे पहले उस फोल्डर के अंदर हम पहले चले जाते हैं। तो इसके लिए गाइस, मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ ls, ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या डायरेक्टरी है। तो अभी गाइस आप देख सकते हो कि csa नाम का एक फोल्डर है जो मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो सबसे पहले गाइस, मैं उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ cd स्पेस csa एंड करता हूँ एंटर। तो गैस अभी हम लोग csa फोल्डर के अंदर हैं। तो एंड इसके बाद यहाँ पे अब ls करके देख लेते हैं, वेल एक फोल्डर है। तो गैस इसके बाद में वेल फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ cd वेल एंड गैस इसके बाद में करता हूँ एंटर। तो गैस अभी आप देख सकते हो मैं वेल फोल्डर के अंदर हूँ एंड इसके अंदर एक फाइल होगा। तो मैं ls करके आपको दिखा देता हूँ, जिसका नाम है whale.py। इस फाइल के थ्रू गाइस हम लोग वेल फ्रेमवर्क को ओपन करेंगे। तो सिंपली गाइस इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड दूंगा /whale.py एंड इसके बाद गाइस मैं करूंगा एंटर। ओके फाइन। सो गाइस आप देख सकते हो वेल फ्रेमवर्क हमारे सामने ओपन हो चुका है। एंड गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स है, तो इसके लिए आपको सिंपली कमांड देना होगा list। तो यहाँ पे गाइस एविशन आप देख सकते हो। तो अभी हम लोग इस टूल को यूज़ करने जा रहे हैं। सो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे कमांड दूंगा use एविशन, तो इसके बाद मैं करता हूँ एंटर। तो गाइस अभी आप देख सकते हो अभी हम लोग एविशन टूल के अंदर आ चुके हैं एंड इसका क्या क्या अवेलेबल कमांड है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर क्या क्या पेलोड है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल पेलोड को अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे कमांड आपको देना पड़ेगा list लिस्ट एंड इसके बाद आपको करना पड़ेगा एंटर। तो गाइस पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पेलोड के बारे में बताया था, जो पेलोड अभी अभी हम लोग यूज़ करेंगे उसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हो go/interpreter/rev_https.py। बेसिकली गाइस इसको यूज़ करके अभी हम लोग एक रिवर्स कनेक्शन अटैक को परफॉर्म करने के लिए एक पेलोड जनरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका जो नंबर है ये 15 नंबर का है। तो सिंपली मैं इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे कमांड दूंगा use 15। इसके बाद गैस मैं करूंगा एंटर। ओके तो गैस अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर रिक्वायर्ड ऑप्शंस क्या क्या है। एंड गैस आप यहां पे देख सकते हो इसमें एल होस्ट सेट नहीं है एंड एल पोर्ट सेट है एंड बाकी सारा जो है ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में है। तो सबसे पहले मैं एल होस्ट को सेट कर लेता हूँ। तो गैस इसके लिए मैं कमांड देता हूँ सेट एल होस्ट। इस केस में गाइस आपका जो एल होस्ट में आईपी देना होगा वो आपका आईपी देना होगा, क्योंकि गाइस इसमें रिवर्स कनेक्शन हो रहा है तो वो जो पीसी होगा आपका टारगेट होगा वो डायरेक्ट आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। तो आपका आईपी यहाँ पे जानने के लिए मैं एक दूसरा टैब ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ ये कैप्स में हो गया। इसके बाद गैस आप यहाँ पे देख सकते हो अपना आईपी। तो सिंपली मेरा जो आईपी है लोकल आईपी, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड गैस यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद गैस मैं करता हूँ एंटर। तो दोबारा एक ऑप्शंस करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कमांड दिया ऑप्शंस एंड इसके बाद किया एंटर। तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एल होस्ट है ये सेट अभी हो चुका है। इसके बाद गैस अगर आप एल पोर्ट को 80 रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, अगर इसको चेंज करना चाहते हो फिर भी कर सकते हो। गैस यहाँ पे पोर्ट 80 जो होता है बेसिकली ये वेब सर्वर से यूज़ होता है, तो कोई एंटीवायरस अगर आपके टारगेट के सिस्टम में होगा तो वो ये सोचेगा कि उसका कंप्यूटर जो है वो कोई वेबसाइट से कनेक्टेड है ना। तो आप इसको अगर चाहोगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको 80 कर देता हूँ, जो सेम ही है एक्चुअली 8080 भी वेबसाइट पर से ही यूज़ होता है 8080 पोर्ट। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ सेट एल पोर्ट
यहाँ पे मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ 8080। इसके बाद गैस मैं करता हूँ एंटर एंड दोबारा एक बार ऑप्शंस करके चेक कर लेता हूँ क्या ये सेट हुआ है। हाँ गैस ये सेट हो चुका है। एंड इसके बाद गैस अगर आप चाहते हो तो इसको इसका प्रोसेसर भी आप सेट कर सकते हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पर इसका प्रोसेसर सेट कर देता हूँ 1 सेट प्रोसेसर्स वन। इसके बाद गैस मैं करता हूँ एंटर। गाइस आप इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप आपके हिसाब से कर सकते हो, प्रोसेसर को भी अपने हिसाब से। जितना यूनिक आप पेलोड जेनरेट करोगे आपके लिए उतना बेटर होगा। कोई भी एंटीवायरस अपडेट होता रहता है, अगर उसको कोई पेलोड ऐसा मिल गया एंड आप कोई यूनिक पेलोड बनाएं तो उसको उतना जल्दी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप यहाँ पे प्रोसेसर को भी सेट कर सकते हो। एंड गैस आप यहाँ पे स्लीप टाइम भी सेट कर सकते हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे स्लीप टाइम भी सेट कर देता हूँ 2। तो गैस मैं यहाँ पे स्लीप टाइम जो सेट करता हूँ वो करता हूँ 5 एंड इसके बाद करता हूँ एंटर एंड दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ये सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसर भी सेट हो गया है एंड स्लीप टाइम भी सेट हो गया है। इसके बाद गैस मैं इसको करता हूँ जेनरेट। तो गैस अभी हमने सारा यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। एंड गैस इसके बाद मैं यहाँ पे अगर जब करूँगा कमांड जेनरेट GENERATE एंड इसके बाद करता हूँ एंटर, तो मेरे पास पेलोड जेनरेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर द बेस नेम फॉर आउटपुट फाइल्स, तो ये पेलोड का नाम मांग रहा है मेरे से। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे पेलोड का नाम देता हूँ माई पेलोड, ठीक है। इसके बाद गैस मैं करता हूँ एंटर। तो गैस अभी ये पेलोड मेरे लिए जेनरेट हो रहा है, तो आपको कुछ टाइम यहाँ पे वेट करना होगा। ओके फाइन गाइस, तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पेलोड है ये जेनरेट हो गया है एंड .exe वाला जो फाइल है ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये जेनरेट हो गया है। तो इसका पाथ आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये कौन सा फोल्डर के अंदर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो बना है आपका var/lib/val/output/compiled के अंदर। तो मैं यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। तो गैस मेरा फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन हो गया है एंड ओपन होने के बाद गैस सिंपली मैं इसका जो पाथ है उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कर दिया मैंने इसको पेस्ट एंड कर दिया गैस एंटर पेल कॉम्प्लेट। तो गैस आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो पेलोड है सक्सेसफुली जेनरेट हो गया है माई पेलोड .exe नाम के फाइल से। तो ये जो .exe वाला फाइल है ये बेसिकली किस में रन होता है गाइस, ये होता है विंडोज़ कंप्यूटर में रन। तो अगर आप ये फाइल जिस जो बनाया आपने इसको अगर कोई विंडोज़ कंप्यूटर में दोगे जो आपका टारगेट है तो आप उसका पूरा एक्सेस ले सकते हो। सो गाइस आई होप कि आपको पता चला कि एक पेलोड को आप कैसे वेल फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में गाइस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।